Γεννήθηκε και ήταν, αλλά μου είναι δημιουργός ο πασίλ. Χασί ο πασίλ. Λίκο μόσια, τα χατουμά, κοτελίχη, θυμά και αγάπησα, αν είχε, να και αμπασιά, μπορεί να. और मैं यहाँ पे इंसाफ मांगने आया था हुकूमत के नाम से ताकि इनको इंसाफ मिले। ये हकीम नाम है इसका जो मेरे ज़मीन पे इनके हक में है, वो ज़मीन उस पर सुकून बनाया हुआ है। अभी तक 5 महीने से इनका तनख्वाह नहीं मिला हुआ है, इसीलिए मैं यहाँ आया हूँ। इनको इंसाफ चाहिए, ये आवाज़ हुकूमत के नुमाइंदे तक पहुँचाना। चार पे दिया था ताकि इनको कुछ मिलेगा, नौकरी मिलेगा, इसलिए ये बोला था प्राइमरी मेडल हाई कॉलेज लेवल तक जाएगा और यह सैलरी भी बढ़ता जाएगा। इस हिसाब से ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, तो आज मुझे मजबूर इनको लेके यहाँ आना पड़ा। ये जो जमीन किया, हाँ मालिक तो मेरा वाजिब साहब थे और इसने इनके नाम पे किया हुआ है। ये बहन रहमुद्दीन नदीम, वो बहन इनके नाम पे, ये तो गूंगे बहरे कुछ भी नहीं बोल सकते। तो अभी उस बंदे ने कब्जा किया है? अभी कब्जा ही हो गया है, 5 महीने से कुछ भी नहीं दिया हुआ है। जब बात करते हैं तो कहता है भाई 1000 रुपये ले लो बस, महीने का जो पहले आपके वालिद के साथ मुआहदा हुआ था। और ये ज़मीन कब दिया था? ये ज़मीन 16-17 साल से ये गबला चल रहा है हमारे साथ। और मैं अभी चीफ जस्टिस साहब से गुजारिश करता हूँ कि इनके जो जायफ मेरे भाई लोग हैं उनसे गौर करें, इनका जो हक जो बंदा मेरा यकीन खा रहा है उससे पूछे कि आखिर मसला क्या है। 50 तक इनके पास ये कह रहा है मैं कहाँ से लाऊँ, और अगर नहीं होता है मैं कह रहा हूँ भाई ज़मीन हवाला करो मेरा जो भी है बस। खान है ये मेरे वालिद साहब हैं जो चश्मा लगा के बीच में, ये मेरे भाई लोग हैं और मैं यहाँ पे इंसाफ मांगने आया था हुकूमत के नाम से ताकि इनको इंसाफ मिले। मेरा हकीम नाम है इसका जो मेरे ज़मीन पे इनके हक में है, वो ज़मीन उस पर सुकून बनाया हुआ है। अभी तक 5 महीने से इनका तनख्वाह नहीं मिला हुआ है, इसीलिए मैं यहाँ आया हूँ। इनको इंसाफ चाहिए, ये आवाज़ हुकूमत के नुमाइंदे तक पहुँचाना।